नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिंपल में। तो आज है डे 3, जिसमें आज मैं पढ़ाऊँगी यूज ऑफ द। तो मैंने डे 2 में पढ़ाई थी यूज ऑफ द का कुछ पॉइंट्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ाऊँगी यूज ऑफ द का कुछ आगे का पॉइंट्स। तो डे 2 में मैंने आपको थोड़ी सी पॉइंट्स बताई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज डे 3 में पढ़ाऊँगी यूज ऑफ द का कुछ और पॉइंट्स। और तो ये हमारा यूज ऑफ ए एंड द का ही है डे 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यूज ऑफ द। तो यहाँ पे है पॉइंट्स, जिसमें है द का प्रयोग उस नाउन के पहले होगा जो खास निश्चित पुट परिचित हो और जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो। उस स्थिति में नॉन सिंगुलर हो या प्लुरल, कॉन्टेबल हो या अनकॉन्टेबल, द का प्रयोग होगा। यानी द का यूज कहाँ करनी है, उस नाउन के पहले करनी है जो खास निश्चित या पूर्व परिचित होंगे और जिसे बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते होंगे। उस स्थिति में नॉन सिंगुलर होंगे, सिंगुलर होंगे तब भी द का यूज होंगे, प्लुरल होंगे तब भी द का यूज होंगे, कॉन्टेबल होंगे तब भी द का यूज होंगे और अनकॉन्टेबल होंगे तब भी द का यूज होंगे। कब, जब खास निश्चित या पूर्व परिचित होंगे। ओके, तो आप समझ गए द का यूज उस नाउन के पहले करनी है जो खास निश्चित पूर्व परिचित होंगे, जिसे बोलने और सुनने वाला दोनों जानते होंगे। तो उस स्थिति में आपको सिंगुलर या प्लुरल, कॉन्टेबल या अनकॉन्टेबल नहीं देखना है, सिर्फ आपको वहाँ पे द का यूज करनी होगी, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल, कॉन्टेबल हो या अनकॉन्टेबल। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल से समझाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पे बच्चे नटखट है, यानी मैंने कुछ बच्चे को ही देख के कही बच्चे नटखट हैं। तो इस स्थिति में द का यूज होंगे, क्योंकि मैंने कुछ निश्चित, कुछ खास बच्चे को ही कही बच्चे नटखट हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे द चिल्ड्रन आर नॉटी। तो यहाँ पे द का यूज होंगे चिल्ड्रन के आगे, क्योंकि मैंने कुछ खास निश्चित बच्चे को ही कही कि वो नटखट है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन के आगे द का यूज होंगे द चिल्ड्रन आर नॉटी, क्योंकि मैंने खास और निश्चित बच्चे को कही हूँ। अब यहाँ पे बच्चे नटखट होते हैं, मतलब बच्चे नटखट होते हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं दुनिया में सभी नटखट होते हैं, बच्चे नटखट ही होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। इस स्थिति में यानी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे नटखट होते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे द का यूज नहीं होंगे, तो चिल्ड्रन के आगे द का यूज नहीं होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ यही होंगे चिल्ड्रन आर नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा बच्चे नटखट होते हैं, यानी मैंने सारे बच्चे को सूचित कर रही हूँ कि बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट। तो यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, जब निश्चित खास या पूर्व परिचित होंगे तो द का यूज करेंगे, जब निश्चित खास या पूर्व परिचित नहीं होंगे और जिसे तो उस सेंटेंस में द का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो, मैंने सारे बच्चे को वो सूचित की थी बच्चे नटखट होते हैं, तो यहाँ पे द का यूज नहीं की, चिल्ड्रन आर नॉट। तो यहाँ पे कुर्सी टूटी है, तो मैं किसी निश्चित को इसी को कह रही हूँ देख के, जैसे मेरे पास यहाँ पे कुर्सी है एक पीस और से वो टूटी है, तो मैंने कहा कुर्सी टूटी है। तो यहाँ पे द का यूज होंगे, क्योंकि मैंने निश्चित को इसी को ही कही ना। तो यहाँ पे द चेयर इज ब्रोकन हो जाएंगे। तो यहाँ पे चेयर सिंगुलर है और निश्चित है, तो इसके पहले द का यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हो जाएंगे द चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे हैं कुर्सियाँ टूटी है, यानी हमारे पास 5-6 पीस कुर्सियाँ हैं जो कि टूटी हैं। तो यहाँ पे कुर्सियाँ क्या है, प्लुरल है, तो द चेयर्स, यहाँ पे चेयर्स हो जाएंगे प्लुरल हैं, कुर्सियाँ हैं, तो द चेयर्स आर ब्रोकन। तो यहाँ पे ये चेयर्स
पोलराइड है तो पोलराइड में भी दाग का यूज होंगे। क्यों? क्योंकि ये निश्चित कुर्सी की बॉडी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि सभी कुर्सियाँ मतलब कुर्सियाँ टूटी होती हैं, मैंने ऐसा नहीं कही। तो यहाँ पे दाग का यूज होंगे क्योंकि मैंने कहा कुर्सियाँ टूटी हैं, तो यहाँ पे दाग का यूज करेंगे क्योंकि खास निश्चित कुर्सी को कही, जिसे जानते हैं वही कुर्सी को सिर्फ मैंने कहा कि दा कुर्सी कुर्सियाँ टूटी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे दा का यूज होंगे। चेयर्स के आगे दा का यूज होंगे, द चेयर्स आर ब्रोकन। अब ये कुर्सियाँ उपयोगी होती है, मतलब जितना भी कुर्सियाँ हैं सभी को कही मैं कि कुर्सियाँ उपयोगी होती है। तो जब कुर्सियाँ उपयोगी होते हैं, सब जानते हो कि कुर्सियाँ उपयोगी होती है, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हो जाएंगे चेयर्स आर यूजफुल। तो यहाँ पे जब सभी कुर्सियाँ को कहेंगे तो इस स्थिति में चेयर्स आर यूजफुल हो जाएंगे, दा का यूज नहीं होंगे। निश्चित या खास को कहते हैं तो यहाँ पे दा का यूज होते हैं। तो यहाँ पे मैंने निश्चित या खास को नहीं कही, सभी को कही, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाएंगे चेयर्स आर यूजफुल। ओके, यहाँ पे चेयर क्या है सिंगुलर, यहाँ पे चेयर्स क्या है प्लुरल, तब भी दा का यूज क्यों, सिंगुलर हो या प्लुरल दा का यूज होंगे क्योंकि ये खास निश्चित कुर्सी के बारे में मैंने बात की थी। यहाँ पे दा का यूज नहीं होंगे क्योंकि मैंने सभी कुर्सियों के बारे में बोली थी कि कुर्सियाँ उपयोगी होते हैं, दुनिया में जितनी कुर्सियाँ हैं सभी के बारे में बोली थी कुर्सियाँ उपयोगी होती है, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं करेंगे। पानी गंदा है तो मैंने हमारे गिलास में जो पानी है मैंने उसे देख के कही पानी गंदा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने किसी निश्चित या खास पानी को कही पानी गंदा है, तो यहाँ पे दा का यूज हो जाएंगे। वाटर के आगे दा लगा हुआ है, द वाटर इज डर्टी। ओके, अब मैंने यहाँ पे कहा पानी उपयोगी होता है, यानी दुनिया में जितने भी पानी है सभी पानी उपयोगी होते हो, वो सभी जानते हो कि पानी कितनी उपयोगी होती है। तो यहाँ पे मैंने सभी पानी को कही कि पानी उपयोगी होता है, जितने भी पानी है सभी पानी उपयोगी होते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पे इस दा का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हो जाएंगे वाटर इज यूजफुल। तो आप समझ गए किस में दा का यूज होंगे और किस में नहीं होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप समझ सकते हो कि होते हैं, होती है या होता है लगा हुआ रहेगा तो उसमें दा का यूज नहीं करनी है। जैसे बच्चे नटखट होते हैं तो इसमें दा का यूज नहीं हुआ, कुर्सियाँ उपयोगी होती है तो इसमें दा का यूज नहीं हुआ, पानी उपयोगी होता है तो इसमें दा का यूज नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, आई होप कि ये पॉइंट्स आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आती हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे है समुद्र यानी सी, महासागर ओशियन, नदी रिवर खाड़ी गल्फ पर्वत श्रेणी रेंजेस ऑफ माउंटेन्स द्वीपपुंज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मरुभूमि डिजर्ट महाकाव्य इपिक जहाज शिप हवाई जहाज एरोप्लेन समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर वाद्यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐतिहासिक स्थान या मकान हिस्टोरिकल प्लेसेज या बिल्डिंग्स और यहाँ पर जो इत्यादि के नामों के पहले दा लगते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके पहले दा का यूज होंगे। समुद्र में आ जाएंगे, जो भी समुद्र के नाम आएंगे वो समुद्र में आ जाएंगे। ओशन में जो भी ओशन होंगे वो ओशन में आ जाएंगे। रिवर में जितने भी रिवर होंगे सब रिवर आ जाएंगे। तो ये सब जो भी हैं इनके पहले दा का यूज होंगे। समुद्र महासागर नदी खाड़ी प्रदर्शनी द्वीपपुंज मरुभूमि महाकाव्य जहाज वाइजा समाचार पत्र वाद्यंत्र ऐतिहासिक स्थान या मकान के पहले दा का यूज होंगे। जैसे द पैसिफिक ओशन ये हमारे ओशन में आ जाएंगे, द गंगेज ये किसी रिवर का नाम है तो गंगेज में दा का यूज होंगे, द
द हिमालय, ये पर्वत श्रेणी रेंजेस ऑफ माउंटेन्स में आएंगे, द वेस्ट इंडीज यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड में आएंगे, और द रामायण यानी महाकाव्य, द कुरान ये सब महाकाव्य में आ जाएंगे, और द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर समाचार पत्र में आ जाएंगे, द तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र में आ जाएंगे, और द ताजमहल द रेड फोर्ट ये ऐतिहासिक स्थान मकान में आ जाएंगे। तो अब एग्जांपल से समझ लेती हूँ। रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ट्रांसलेशन, द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। ओके, तो रामायण क्या है, तो ये हमारा इपिक है महाकाव्य, तो इसके पहले क्या यूज होंगे, द का। ओके, गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे हो जाएंगे द गंगेज इज अ होली रिवर, पवित्र का क्या होता है, होली। ओके, द गंगेज इज अ होली रिवर, तो गंगज हमारा नदी का नाम है, रिवर है, तो इसके पहले द का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे द गंगेज इज अ होली रिवर। ताजमहल बहुत सुंदर, तो यहाँ पे हो जाएंगे द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल हिस्टोरिकल प्लेसेस बिल्डिंग में आ जाएंगे, तो ये ताजमहल के पहले द का यूज होंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो आई होप कि आज का क्लास समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं डे 4 में कुछ न्यू रूल्स यानी पॉइंट्स के साथ। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और शेयर भी कर दो जितना फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कर दो, और कुछ पूछना तो कमेंट में टाइप करो। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, नमस्कार, जय हिंद।